पैट्रिक, तुम किस तरह के लड़के हो? तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और तुम हो के मुझ पर ध्यान ही नहीं देते। क्या तुम जानते नहीं हो कि लड़कियों को गिफ्ट पसंद होती है, जैसे फ्लावर्स, चॉकलेट्स, टेडी बेयर? कहाँ है ये सब? गीगी, मैं तुम्हारे लिए बैग उचकती, दरवाजा खोलती और बैठने के लिए अपनी जगह भी दे देती। दूसरे लड़कों ने अपनी गर्लफ्रेंड्स को टेडी बेयर दिया है, तुमने तो आज तक एक छोटा टेडी बेयर भी नहीं दिया। और तुम देखो गीगी कितनी डिमांडिंग है, मुझे ये सब नहीं पसंद। ठीक है, अब पुन लाएगा तुम्हारे लिए टेडी बेयर। हाँ जूली, मुझे तो पैट्रिक को देखकर तरस आता है। हाँ ऑटम, पैट्रिक की किस्मत खराब है, लेकिन तुम्हारी चांदी ही चांदी। ऑटम नहीं, हीरे और मोती जैसी। पैट्रिक, जाओ और मेरे लिए टेडी बेयर लेकर आओ। तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा है, बिना लिए वापस मत आना, समझे? लेकिन मेरे पास पैसे कहाँ से आती, मैं काम नहीं करती, पढ़ाई वैसे करती। पैट्रिक गिनती शुरू हो गई है, 1, 2, 3। तुम्हारा मतलब हम तुम्हारे लिए सिर्फ तोहफा खरीदती, हम तुमसे रिश्ता तोड़ती है? ये हुई ना बात। अब गीगी सिंगल हो गई है। पैट्रिक, तुम मुझे छोड़ रहे हो, ये मैं होने नहीं दूंगी। हम तुमसे बिल्कुल नहीं डरती, देखते हैं। दोस्तों हमको बधाई देती, अब मैं और जुजा साथ में नहीं होती। गीगी, किसने तुम्हारा इंसल्ट किया? वो रहा। ओहो। गीगी बॉडी गार्ड्स लेकर आ गई। दोस्तों ये फुटबॉल प्लेयर्स गीगी को कब से प्रोटेक्ट करने लग गए? गीगी, हम तुमको चोट पहुंचाती? तुमने इसकी इंसल्ट क्यों की? तुमने मेरी इंसल्ट क्यों की? हम इसका इंसल्ट नहीं करती, हम तो बस रिश्ता खत्म करती। ये बहुत तोहफे मांगती। अच्छा, तोहफे मांगे? डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें क्या चाहिए वो बोलो। एक टेडी बेयर। पैट्रिक, कल इसके लिए टेडी बेयर लेकर आना। मैं नहीं खरीद सकती। पैट्रिक, अगर लड़की को डेट करना है तो तोहफे देना भी सीखो। चलो दोस्तों, लड़ाई लड़ाई माफ करो। माफ करना कि मुझे इनको लाना पड़ा, लेकिन समझा करो, मुझे टेडी बेयर चाहिए ही चाहिए। लो कर लो बात, पैट्रिक और गीगी फिर साथ हो गए। डेटिंग जारी रहेगी। वाह, तुम सब यहाँ इकट्ठा होकर ऐसा क्या कर रहे हो? अच्छा, चीयरलीडर्स। डियाना, तुम्हें पता है फुटबॉल प्लेयर्स अब मुझे भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। गीगी, मुझे क्यों बता रही हो, मुझे इससे क्या मतलब है? और वो तुम्हें प्रोटेक्ट किससे कर रहे हैं? पैट्रिक। चलो दीमा, तुमने कुछ तो अच्छा काम करना शुरू किया, करो लड़कियों को प्रोटेक्ट। वैसे इन सब चीजों में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या किसी ने यहाँ बास्केटबॉल प्लेयर्स को देखा? ना, ठीक से बात करो, नहीं तो मैं पापा को बता दूंगा कि कल रात तुम 1 बजे आए। दोस्तों, हमने तुम्हारे बास्केटबॉल प्लेयर्स को नहीं देखा, और देखे भी क्यों? दोस्तों इनको कुछ नहीं पता है, चलो यहाँ से चलते हैं। चलो देखे हमारे बास्केटबॉल प्लेयर्स है कहाँ। दोस्तों गीगी को प्रोटेक्ट करना मत भूलना और उसे छोड़ना मत। क्या वो हमारी मजाक उड़ा रहे थे? नहीं दीमा, कमजोर को प्रोटेक्ट करना चाहिए। याना, मैं तो शॉक्ड हूँ, तुम्हारा भाई दीमा गीगी को प्रोटेक्ट कर रहा है। याना, क्योंकि उसके पास और कोई काम नहीं है, हीरो बनना है लेकिन कोई लड़की नहीं है। चलो चलो लेडीज रूम में चलते हैं। डियाना, मैं सोच रही थी कि मैं दीमा को डेट कर लूं, गीगी को प्रोटेक्ट करने से तो अच्छा है मुझे प्रोटेक्ट करे। नास्तिया, क्या बात कर रही हो? नास्तिया, क्या तुम टीम से बाहर होना चाहती हो? भूल गई क्या? क्या तुम रूल भूल गई? हम दोस्तों के एक्सिस के साथ डेट नहीं करते। मैंने तो बस ऐसे ही पूछा। तुम ऐसे ही नहीं पूछ सकती। आहा दोस्तों, क्या तुमने देखा जब फुटबॉलर्स मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे तब डियाना कितनी जल रही थी? हाँ हाँ, सच कहा तुमने, मुझे बहुत खुशी हुई। दोस्तों मुझे बहुत मजा आया, हमने उन चीयरलीडर्स को उनकी औकात दिखा दी। हाँ, बास्केटबॉलर्स उनके आगे पीछे घूमते हैं तो उनको नचाने की आदत हो गई है। डियाना की आंखों में साफ साफ लिखा था, मेरा दीमा। बास्केटबॉल प्लेयर्स बैग्स के साथ, इसका क्या मतलब हुआ? ओ बास्केटबॉलर्स, जल्दी जाओ अपनी चीयर लीडर्स को ढूंढो। हाँ, वो तुम्हें ढूंढ रही थी। अरे चुप हो जाओ, मेरे दोस्त का कुछ दूसरा प्रॉब्लम। बास्केटबॉल प्लेयर्स, तुम्हारे बैग्स में क्या है? टेडी बेयर है? चुप करो गीगी, मैं जानता हूँ दोस्तों कि हमारे रिश्ते अच्छे नहीं है, लेकिन आज मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। स्माइल को रात को सोने के लिए जगह चाहिए। क्या उसके रहने के लिए कोई घर नहीं है? कोस्तिया चुप करो, बस कोस्तिया रुक जाओ, ऐसा दोबारा मत करना। हाँ बास्केटबॉल प्लेयर्स, ऐसी भी क्या प्रॉब्लम है, बैग्स क्यों लेकर आए? स्माइल का पेरेंट्स के साथ आर्गुमेंट हुआ है, अब उसको सोने के लिए जगह नहीं है। दीमा, क्या हम बात कर सकते हैं? मुझसे? दीमा, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि ये डीएनए का सहारा लेगा। दीमा, क्या हम बात कर सकते हैं? देखना अब वो बोलेगा। हाँ हाँ बोलो। अरे ये क्या, ऐसे स्कूल में फुसफुसा के बात करना बंद करो। स्माइल, तुम्हारे पास 1 मिनट है बताने को। दीमा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स घर पे नहीं है, क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? क्या मेरे साथ रहोगे? ये दो क्या? दीमा सुनो, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी एक्स को डेट कर रहा हूँ,
लेकिन आज मुझे तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। स्माइल, मैं तुम्हारी मदद जरूर करता अगर तुमने मेरी की होती। बोलो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे डीएनए चाहिए। नहीं तो फिर तुम मेरे साथ नहीं रह सकते। कैसे दोस्त हैं? एक दो तीन चार। नहीं आना, सच में ये बिल्कुल सही नहीं है। पता नहीं ये बास्केटबॉलर्स कहाँ रह गए। डीएनए हम लड़कियाँ हैं, हमें उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। डीएनए क्या हम ट्रेनिंग के दौरान बास्केटबॉलर्स के बारे में बात नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा? ये क्या बात है? हाँ, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है इसलिए कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, कोई चिंता ही नहीं रहती। ठीक है दोस्तों, नहीं तो नहीं। चलो ट्रेनिंग करते हैं। लीडर्स, तुम्हारा समय पूरा हुआ, अब जिम खाली करो। हाँ, अब हम ट्रेनिंग करने वाले हैं। चार। ये देखो कौन आया है, गीगी के रक्षक। बहुत फक्र की बात है ना। ये ना, अपनी हद में रहो। तुम अपने स्माइल को संभालो, उसे घर से निकाल दिया गया है। क्या दोस्तों, क्या तुमने सुना? हाँ, ये क्या, मुझे कुछ समझ नहीं। ओ, कहानी में ट्विस्ट। दोस्तों तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? क्या ब्रोस भी? नहीं, उसे नहीं, बस स्माइल को ही निकाला गया है। चलो दोस्तों, आज की ट्रेनिंग को यहीं खत्म करते हैं। दोस्तों स्माइल कहाँ है? वो कहीं ग्राउंड फ्लोर पर है अपने बैग्स के साथ। डीएनए चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या सच में उसके उसके पेरेंट्स के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही थी? पहले यहाँ से तो चलो। दीमा, तो क्या अब तुम खुश हो? पता नहीं अब स्माइल कहाँ रहेगा। पता नहीं, लेकिन अब वो डीएनए को डेट नहीं कर पाएगा। जो हुआ अच्छा हुआ, चलो ट्रेनिंग करते हैं। अरे ब्रोज, अब मैं क्या करूँगा? पता नहीं, मैंने अपनी दादी को पूछा लेकिन उन्होंने मना कर दिया। दीमा के पेरेंट्स घर पर नहीं है, वो मदद कर सकता था। हाँ, दीमा लड़का है ना। स्माइल, क्या हो गया ये सब? तुम लगेज लेकर क्यों घूम रहे हो? मुझे सब कुछ बताओ। अब यहाँ पे बहुत रोना धोना होगा। अब लिपट लिपट के रोएंगे। ब्रोस, क्या तुमने खाना खाया? याना, मैं ठीक हूँ, प्रॉब्लम उसका है। स्माइल, बताओ तो तुम्हारा लगेज यहाँ स्कूल में क्या कर रहा है? पूरी बात बताओ। नहीं डीएनए, मेरी पेरेंट्स के साथ आर्गुमेंट हुई है। ऐसे स्कूल में लगेज के साथ तो नहीं रह सकता ना, क्या तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? स्माइल, क्या मेरे साथ रहोगे? मेरे पेरेंट्स तुम्हें कभी भी अलाउ नहीं करेंगे। मैं सब समझ गया, मुझे अकेले ही रहना होगा। अरे स्माइल, तुम बहुत प्यारे हो। तुम अकेले नहीं हो, अगर मैं एडल्ट होती तो तुम रह सकते थे, लेकिन अभी मुश्किल है। ठीक है, मैं समझ गया, तो मैं अपार्टमेंट ब्लॉक के बेंच पे सो जाऊंगा। स्माइल, बेंच पे क्यों? तुम मेरे साथ रह सकते हो ना। क्या? ब्रोस, और कोई रास्ता नहीं है, स्माइल अकेला जाएगा कहाँ? याना, तुम्हें क्या लगता है वो रहेगा कहाँ? तुम्हारे यहाँ तो बस तीन रूम है, तुम, दीमा और तुम्हारे पेरेंट्स। याना, पेरेंट्स घर पर नहीं है इसलिए एक रूम खाली है। याना, मैंने तुम्हारे भाई को पूछा था लेकिन उसने मना कर दिया। अरे हाँ, अगर मैंने तुम्हें रहने दिया तो वो मम्मी पापा को जरूर बता देगा। अरे अब मैं क्या करूँ? अरे सुनो लैला नास्तिया, क्या स्माइल तुम्हारे यहाँ रह सकता है? डीएनए, दिमाग तो ठीक है ना? स्माइल, चिंता मत करो, अगर जगह की बात है तो तुम स्कूल में भी रह सकते हो और तुम्हें कोई परेशानी भी नहीं होगी। डीएनए, क्या बोल रही हो? डीएनए, क्या तुम स्माइल को स्कूल से भी निकलवाना चाहती हो? दोस्तों, किसी को पता नहीं चलेगा। स्माइल, लगेज बताओ। सब कुछ है, तकिया, पजामा, मेरे बॉक्सर। ठीक है स्माइल, तो फिर आज स्कूल में सो। मैं यहाँ अकेला नहीं सो सकता, मुझे डर लगता है। स्माइल, शांत हो जाओ, आज रात मैं तुम्हारे साथ स्कूल में ही रहूँगी। सुनो दोस्तों, ये तो अच्छा विचार है, मैं और ब्रोस भी यहीं रुक जाते हैं, है ना ब्रोस? हम कैसे रहेगा याना? अगर यही बात है तो मैं और नास्तिया भी तुम्हें सपोर्ट करेंगे, आज रात हम भी यहाँ रुक जाते हैं। दोस्तों, आखिरी लेसन 3 मिनट में खत्म होने वाला है, चलो छुप जाते हैं ताकि कोई हमें देख ना सके। स्माइल, यहाँ। दोस्तों, मैं थक गया हूँ, मुझे थोड़ी नींद की जरूरत है। ठीक है स्माइल, तुम सोने की तैयारी करो, लकीली मेरे पास ब्रश और टूथपेस्ट है। कितनी अच्छी बात है, आज भी मैं ब्रश करके सो सकती हूँ। हमारे पास तो ब्रश नहीं है, तो क्या हम उंगली से दांत साफ करेंगे? डीएनए, क्या तुम हमें अपनी टूथपेस्ट दोगी? स्माइल, डीएनए मुझे वो हिप्पो दो। ये लो स्माइल, क्या तुम सच में सोने वाले हो? हाँ, मैं थक गया हूँ। ठीक है, देखो दोस्तों, स्माइल तो सच में सो रहा है, अब हम क्या करेंगे? डीएनए, स्कूल में घूमते हैं, ऐसे बहुत सारे क्लासेस हैं जो अब तक नहीं देखे। हाँ, मैं तैयार। मैं भी। हाँ, मैं भी, तो चलो फिर सब चलते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम लोग रात यहीं बिताने वाले हो। याना, मैं मम्मी को फोन और मैं प्रिंसिपल को।
लेकिन दोस्तों तुम ऐसा क्यों करोगे? तुम्हें वापस भी तो करना है। पता है अगर तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हारा क्या हाल करेंगे? तुम्हें बायोलॉजी क्लास में लॉक कर देंगे। वहाँ बोतल के अंदर ब्रेन्स हैं और डरावने स्केलेटन भी और कटी हुई टंग भी और सुबह सुबह वो सर फेरी टीचर आएगी। और पता है वो क्या करेगी? ठीक है हम माफ करते हैं कोस्तिया, चलो अब चलते हैं। हाँ चलो, हमें कौन सा इनकी तरह भटकना है।